मित्र, अगले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से शिवाजी और तानाजी उसके बारे में सोचते कि लड़का बहुत बड़ा होकर इतना सुरवीर है, इतना ताकतवान है, इतना बहुत ही अच्छा है, तो अपने देश के लिए ये लड़का हमारी सेना में भर्ती कर देंगे, तो देश की रक्षा के लिए यह हमारे बहुत ही काम आएगा। इस तरह से शिवाजी तानाजी से बातें कर रहे हैं। तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया धन्य है ना। तानाजी कहते हैं कि शिवाजी आप इस घातक है आपका जो मृत्यु करने में आपको मारने आया था, इस घातक के साथ आप इतनी दया क्यों करते हो, इसको क्यों छोड़ देते हो। शिवाजी कहते हैं नानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी कहते हैं कि जो मारने वाला है उससे ज़्यादा बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, ज़्यादा शक्ति उसमें होती है जो बचाता है उसमें। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभार रहूँगा। कहते हैं कि तानाजी तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ, तुम्हारा बहुत ही मैं ऋणी हूँ। आपकी बात में सहमत हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। शिवाजी कहते हैं, तानाजी कहते हैं महाराज आप यह क्या कहते हैं। शिवाजी को तानाजी कहते हैं कि आप क्या कहते हो, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, स्वामी है, आप मेरे सेवक है, और आप तो मैं आपका दास हूँ, और स्वामी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और मैं इसके आभारी होने के बाद आप जो आभार मानते हो, मेरा जो मेरे बारे में सोचते हो, ये बराबर नहीं है, और आप स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, और मैंने आपकी रक्षा की। शिवाजी के तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। तानाजी शिवाजी कहता है तुम जैसे अच्छे लोगों से जो भारत माता को गर्व मिलता है, सेनानायक आपके बाप जैसे लोग होते हैं देश का गर्व बढ़ाते हैं। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, फिर कहते हैं कि अच्छा आप थोड़ी देर विश्राम करो, आराम कर लो, बाद में आप बात करते हैं। तानाजी कहते हैं प्रणाम करता है जो आज्ञा महाराज, और इस तरह तानाजी कहते हैं प्रणाम करके वहाँ आराम करने प्रश्न करने जाता है। दूसरा दृश्य में देखते हैं शिवाजी के दूर का कमरा, दोपहर का समय, शिवाजी का दूर का जो कमरा है वहाँ पर है और दोपहर का समय है। शिवाजी के तानाजी की और मुँह फेर कर तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अघात प्रेम उमड़ रहा है। कहते हैं कि तानाजी इसे कहते हैं कि वो लड़का है जो बालक है, उसके लिए मेरे मन में बहुत ही प्रेम जागा है, मेरे मन में बहुत ही प्रेम उमड़ रहा है। जब मैं वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जो वो बालक है मेरे सामने से जब गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी कहते हैं कि उसकी वीरता और साहस का फल है, इसलिए आप इसकी याद करते हो। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, उसकी वीरता है, वीरता के ऊपर मैं बहुत ही मोहित हूँ, मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, उम्र से इतनी छोटी है अभी इतना साहस करता है वो। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस, कहते हैं शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, डरती है, और उसके सामने यह बालक इतना, एक बालक का इतना साहस मेरे सामने। तानाजी कहता है इसमें क्या कोई संदेह है। तानाजी कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। दरबार के प्रवास करके महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। वो इतने में दरबार आता है और कहता है कि बालक आपसे मिलने आया है। शिवाजी कहते उसे बुला दो, लाओ। शिवाजी कहते उसे अंदर ले आओ। दरबार के साथ महाराज का प्रवेश, दरबार के साथ महाराज जी भी अंदर आते हैं। महाराज आपका अपराधी मुझे दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी और महाराज जी कहता है शिवाजी से कि आपका जो बालक है जो अपराधी है तो मृत्युदंड देने के लिए मृत्युदंड भोगने के लिए आपके पास आ गया हूँ। शिवाजी कहते हैं वीर पुत्र ये तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। शिवाजी कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। महाराज कहते हैं महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा, आपसे विदा होकर मैं जैसे घर पहुँचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, मेरी माँ बहुत ही देर से मेरी राह देख रही थी। देखते ही उसने मेरे मुझे छाती सका लिया, उसने जैसे मुझे देखा और मुझे छाती सका लिया, मुझे बहुत प्यार दिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। मेरी माँ को देख के मुझे लगा कि उससे मैं पूरी बातें बता दूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं आई। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, लेकिन अब मैं
मैं आपने जो कहा था कि यहाँ पर हाजिर हो, इसलिए मैं आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हो, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ, मरने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात मांगता हूँ। शिवाज कहते हैं कहो, वह कौन सी बात है? शिवाजी कहते हैं कौन सी बात आप कहना चाहते हो, कहो। महाराज कहते हैं मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मेरी माँ है, उसका समस्त जो भार है, उसका जो देखभाल का वो सब, उसका देखभाल रखना और सभी कार्य वो है, वो कहते हैं कि मेरी माँ का देखभाल का समस्त भार है वो आप ले लीजिए, आप उसकी देखभाल करना। शिवाजी कहते हैं वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी कहते हैं तुम सचमुच वीर पुत्र हो, क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। शिवाजी जो वीरों को उसका बहुत सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता और इसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या कर सकते हो, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मेरे तुझे भेजा था घर अपनी माँ से मिलने और तू वापस आ गया, मैं तेरी परीक्षा में तो सफल हो गया, अब बस तू मेरी परीक्षा में पास हो गया, सफल हो गया। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, तो तेरा अपराध है, तेरी जो भूल है, जो गुनाह किया वो मैं माफ़ी कर देता हूँ, सब क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं, मालव जी गिरकर कहते हैं आप धन्य हो महाराज। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस तरह तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। मालव जी इससे इसको कहते हैं कि वीर पुत्र तुम अपनी माता के लिए जिस दुखी हो, मैं भी इतना ही व्याकुल इतना ही दुखी हूँ तुम्हारी तरफ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। इस तुम्हारी माँ के लिए कितना वो मन में दुखी हो, व्याकुल हो, इस तरह मैं भी, शिवाजी कहते हैं मैं भी इस तरह अपनी भारत माता के लिए इतना सोचता हूँ किस तरह भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज कहते हैं महाराज यह शरीर आपका है। महाराज कहते हैं कि शरीर ये मेरा जो शरीर है वो आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, तुमने आपने मुझे जीवन नया जीवन दिया है, जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा पीछे ना हटूंगा। कहते हैं मेरे में जब तक जान है, जब तक मेरे में प्राण है, तब तक मैं मातृभूमि की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहता है वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी कहता है वीर पुत्र मुझे तेरे से यही आशा थी। इस तरह इस पाठ में हमें, इस इकाई में हमें किस तरह से अलग अलग पात्र के बारे में बताया कि शिवाजी और मालव जी तानाजी किस तरह से देशभक्त की बातें बताई वो हमें इसमें देखे। अब हम जो ये यहाँ पर इस इकाई समाप्त होती है। अब जो इसका टेस्ट है वो होमवर्क में आएगा, 20 मार्क्स का, आप होमवर्क में देख लेना। थैंक यू।